भारत से भी कठिन होगा उनके लिए युद्ध जीतना। जी दिनेश जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं पहले विवेक जी की टिप्पणी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आनंद जी के पास आऊंगा। अचानक से विवेक जी आरएसएस डर गई है अंदर से, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, और डर इसलिए गई कि अब उसको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आया तो अब मेरे खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अभी तक तो अंडरस्टैंडिंग थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होता था, लेकिन मोदी ने जो पॉलिटिकल वेंडेटा स्टार्ट किया है, ये अब बूमरैंग कर सकता है, मेरे ऊपर आ सकता है और मेरे अस्तित्व के ऊपर सवाल हो सकते हैं, मेरे ऊपर रेड पड़ सकती हैं। और अचानक से पहली बार आरएसएस 100 साल के इतिहास में एकदम से लो हो गया है, डरा हुआ महसूस कर रहा है, और उसको लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा ना हो जाए मेरे साथ में कि मुझे ही मटिया मेट कर दिया जाए। जो कई बार इस किस्म के वक्तव्य आ रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और खास तौर से राहुल गांधी की एपैथी जो आरएसएस के प्रति है सबको पता है, क्योंकि राहुल जब अपनी पे उतरेंगे तो फिर इस बार चाहे सामने अडानी हो या अंबानी हो, और वो किसी बात से मानेंगे नहीं, और सरकार इनकी बनी तो छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि राहुल की जिद इस मामले में सबने देखी हुई है। दूसरी एक बात और, मुसलमानों पे इतना फियर्स अटैक जो हो रहा है मोदी जी का, वो शायद एक कारण से कि सारे मुसलमान एक साथ आके इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे आ गए हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर साथ में बीएसपी हो, किसी दल का कोई असर नहीं हो रहा है, वो सारे एक छतरी के नीचे आके उन्होंने फैसला कर लिया कि वोट तो इंडिया गठबंधन को ही देना है। मुझे लगता है कि बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं, लेकिन पूरे परिदृश्य पे जो 96 सीटें आ रही हैं, इसमें महाराष्ट्र की भी करीब करीब 11 सीटें हैं, जिसमें नंदुरबार, जलगांव, रावर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पूना, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड है। इसमें शिरडी की सीट एससी सीट है और नंदुरबार की एसटी सीट है। खासतौर से पूना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी के साथ है, लेकिन शिरूर की एकमात्र एक और सीट है बारामती के अलावा, जहाँ पे एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। और जो मेरी पर्सनल जो बातचीत हुई बहुत सारे मतदाताओं से बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ग्राउंड पे था वहां पर, और मैंने सोचा कि मैं जाऊं वहां पर काम करूं, देखूं मैं क्या होता है, तो मैंने ये पाया कि साहब के प्रति, साहब तो एक ही महाराष्ट्र में, उनके प्रति जो सहानुभूति है वो बहुत ओपन माइंडेड के साथ में है। और सुनेत्रा के साथ भी एक दो लोगों की सहानुभूति थी, लेकिन शायद उनकी जो लॉयल्टी फैक्टर है साहब के प्रति, और उन्होंने मार्जिन भी बताया कि ये मार्जिन 1.5 लाख और 3 लाख के बीच में होगा, 1.5 लाख और 3 लाख के बीच में सुप्रे की विक्ट्री मार्जिन होगा, ये शायद इस बात को दिखा रहा है कि लोग उद्धव के प्रति या शरद पवार के प्रति अभी भी लॉयलिस्ट हैं। विवेक देशपांडे जी, जी दिनेश जी, जहां तक ये मुसलमान वाला एंगल है, मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर आप 370 या फिर 400 पार होने वाले हैं तो कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस क्या करेगी, ये सवाल जो है वो बहुत ही रेलेवेंट है। अब कांग्रेस आ ही नहीं रही है, आप ही तो आ रहे हैं, फिर कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस ये करेगी वो करेगी ये कहने का क्या मतलब है? इसका इसका सीधा अर्थ ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और आप लोगों को बता रहे भी आप उनको चुन के दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप उनको चुन के दे रहे हैं तो ये होने वाला है वो होने वाला है। तो ये पूरी तरह से ये डिफिटिस्ट माइंडसेट जो है बीजेपी का, वो हार मन में लेकर इस इलेक्शन में उतरे हैं कि हम तो हारने वाले हैं। अब हारने वाले हैं तो क्या करना है? तो अगर हम हार रहे हैं तो जो भी एक्सट्रीम डेस्परेट सिचुएशन में आदमी जो भी करता है वो सब वो कहीं वही कर रहे हैं। वो जो कल अदानी अंबानी वाला स्टेटमेंट आया है वो तो बहुत लोगों की समझ से परे है कि भाई ये क्या है, मतलब क्या है? मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है मोदी जी के मन में? तो और मुसलमानों को उकसाना, ये जो एक मकसद है जिससे मुसलमान कुछ कर बैठे, कुछ रिएक्ट कर बैठे और फिर अपना काम बन जाए, ये एक उद्देश्य है। इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी ये आदमी मतलब लाज शर्म छोड़कर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहा है अब, और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो, हिंदू मुस्लिम बखेड़ा खड़ा हो, मुसलमान रिएक्ट करे, गलत तरीके से रिएक्ट करे और फिर उसका काम बन जाए। इतनी गंदी राजनीति, ये केवल माफियागिरी है, मेरे पास इसके लिए दूसरा शब्द नहीं है, ये केवल माफियागिरी है। और ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड स्टेट्समैन है, ये पंडित नेहरू से अपने आप को कंपेयर करते हैं, मैं तो हंसी आती है भाई। वर्ल्ड स्टेट्समैन जो होता है वो क्या इस तरह से हिंदू मुस्लिम इस तरह की गंदी बातें करता है? इतनी थर्ड रेट बातें प्रधानमंत्री
प्राइम वो कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम में भी मुसलमानों को आरक्षण देंगे कांग्रेस वाले। अब क्या बोलना है मुझे तो, मतलब मुझे तो इस विषय पर चर्चा करना और इस विषय पर हम बात करना, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना, डिबेट्स करना, यही अपनी खुद की डिग्निटी गिराने वाली बात है। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है, आपको करनी पड़ रही है, हम सबको करनी पड़ रही है। इस तरह से ये जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा है और इसमें मुसलमान बहुत ही मैच्योर तरीके से शांत बैठा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में आया इनका खेल समझ में आया। मैंने पिछले बार भी कहा था, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, अभी जो नीतीश कुमार ने जो किया था सर्वे कास्ट वाला, उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ है, मैंने ये बोला था कि बिहार तो सबसे गरीब राज्यों में से एक है, वहां का मुसलमान और भी गरीब है। ये रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम पूरे देश को में एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पूरे देश में एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मुसलमानों को 51% पॉपुलेशन के होने के लिए कम से कम 650 साल लगेंगे। तब तक तो ये दुनिया नहीं बचने वाली, 100 साल भी बचे तो बहुत है। हिंदू राष्ट्र जब बनने के बाद 5-10 साल भी टिक जाए, दुनिया टिक जाए तो बहुत है। काहे के लिए हिंदू राष्ट्र बना रहे भाई, अब दुनिया ही नहीं टिकने वाली तो हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? मुझे ये हिंदू राष्ट्र वाली चीज जो है इसी लेवल पर डिस्कस करने में मजा आता है। ये इतनी इतनी बोगस बात है, इतनी बोगस बात है, क्यों कर रहे हैं ये सब? आप और हम बचने वाले नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? जितने दिन है उतने दिन अच्छे से रहो, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। तो एनीवे ये हो गया सर, 1200 साल हो गए जब से मुस्लिम भारत में आए थे, सो कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। 1200 सालों में पाकिस्तान मिला लो, बांग्लादेश मिला लो, इंडिया मिला लो, तो टोटल 65 करोड़ मुसलमान है सिर्फ, और 110 करोड़ हिंदू हैं। सर 1200 सालों में ये हमारे बराबर नहीं आ पाए, तो सर अगले 650 छोड़िए और 6500 सालों तक भी नहीं हो पाएगा, ये पता नहीं लोगों को जी। ये इट इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश फैक्ट कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है मुसलमानों का, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, मतलब हर साल वो कम होते जा रहा है। ये एस्टेब्लिश्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटिस्टिक्स है। मोदी जी सिर्फ अपने स्टेटिस्टिशियन को बताया, जरा लेकर आओ फिगर क्या है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ। देखियो एब्सोल्यूट नंबर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कोई भी स्टेटिस्टिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। आप एब्सोल्यूट नंबर्स जो है वो दे आर ऑलवेज मिसलीडिंग, आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ रेट बताना पड़ता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों का कम है, वो क्रिश्चियन से कम है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन के रेट ऑफ ग्रोथ से मुस्लिम पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ कम है, ये दिस इज द फैक्ट। तो ये कहां की बातें, बेतु की बातें करते हैं और पालतू लोगों का देश का समय इसमें वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो हारने वाले हैं, हारने की कगार पर आए हैं। और इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है, ये अगर अंदर से समझ, ये अगर इस बात का इनको कोई भनक नहीं होती कि हारने वाले हैं तो अच्छा होता, ये हारने वाले हैं इस बात की भनक इनको लगी है, इसलिए बहुत डेंजरस बात हो गई है। आने वाले 4 चरण किस तरह से निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, सबसे सबसे बुरी जो चीज है वो भी ये कर सकते हैं, वो करेंगे सत्ता में रहने के लिए। क्या करेंगे हम बता नहीं सकते। अब कल वो अगर अदानी और अंबानी वाली बात कर रहे हैं, जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि मोदी जी इस तरह की भी बात कर सकते हैं। मुझे किसी एक आरएसएस के इस फॉलोअर ने बताया जो गुजरात से है, वो कह रहे थे कि कोई ये इस आदमी को कोई हिंदू प्रेम वगैरह नहीं है। वो कह रहे थे कि अगर इनको किसी दिन ये पता चला कि हिंदुओं को कोसने से ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये हिंदुओं को कोसेंगे भी। आज इनको पता है कि मुसलमानों को कोसने से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसलिए वो मुसलमानों को कोस रहे हैं। कल अगर उनको पता चलता है कि हिंदुओं को कोसने से प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो वो हिंदुओं को भी कोसेंगे। इनका मतलब तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने से, और ये बात आरएसएस समझ गई है। और आरएसएस मैंने पिछले बार भी कहा था कि आरएसएस जो है वो किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 साल से काम नहीं कर रही है। हमको मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आरएसएस का पूरा मकसद ही अभी वो है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा नहीं है,
जो भी मोदी जी ने किया है आरएसएस के लिए पिछले 10 साल में, उसके लिए आरएसएस अपने आप को उपकृत महसूस करता है कि जो भी बेसिक एजेंडा है 370 हो, सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, सब इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी संगठन से ऊपर बैठ सकते हैं, क्योंकि संगठन को एक व्यक्ति को ही डोमिनेट करता रहा तो आरएसएस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, संगठन में ही शक्ति और संगठन सर्वोपरि है, वो बेसिक प्रिंसिपल को लेकर वो आज तक चलते आए हैं, उसके बदौलत ही उनकी ताकत बढ़ती गई है। उस प्रिंसिपल को वो छोड़ दे मोदी जी के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आरएसएस को भी मोदी जी को टॉलरेट करने का एक लिमिट है, वो हो गया है। इसलिए अब की बार जो आरएसएस के लोग कार्यकर्ता उत्साह की कमी उनमें जो दिख रही है वो उसके ही चलते हैं। जिस तरह से मतों का प्रतिशत भी गिरा है, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में गिरा है, नागपुर में गिरा है, महाराष्ट्र में गिरा है और बहुत सारे स्टेट्स में गिरा है, उसका एक कारण यह भी है कि आरएसएस का आरएसएस में उत्साह की कमी, क्योंकि आरएसएस में अभी ये पोजीशन ले लिया है कि मोदी जी अगर आप अपने बदौलत पूरा इलेक्शन जीत सकते हैं तो आप जीत के दिखाइए, हम बाजू हट जाते हैं। अगर आरएसएस जो है आरएसएस द्वितीय स्थान पर है और आरएसएस की जरूरत नहीं है आपको, तो आप जीत कर दिखाइए अकेले, हम बाजू हट जाते हैं। ये भूमिका आरएसएस के लोगों ने ली है, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन अभी अगर जैसा मीनू जी ने कहा कि ये बात सच है, अगर रिजिम चेंज हो जाता है और फिर जो एक्स है वो तो गिरेगी आरएसएस पर भी, तो फिर आरएसएस किस तरह से मोदी जी को हारने देगा? वो तो नहीं हारने देगा, वो तो चाहेगा कि भाई ठीक है कांग्रेस आने से तो मोदी ठीक है, लेकिन वो मोदी जी को हराएंगे नहीं, मोदी जी को उस स्थिति में लेकर जाएंगे जहां पर मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। किसी और को, राजनाथ सिंह को और नितिन गडकरी, इनको सामने लाकर वो उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं और मोदी जी को बाजू कर सकते हैं। वो कतई नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सत्ता चली जाए। ये मेरा एक आरएसएस के बारे में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, एक कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ आरएसएस काम करेगा। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, अब तक के पूरे जो कितने 3 चरण हुए, तीनों चरणों में जो महाविकास आघाड़ी है वो लीडिंग है, इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले जो 2 चरण है, आखिरी वाला जो चरण है उसमें मुझे पता नहीं, क्योंकि वहां पर शायद बीजेपी की ताकत हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो 4th चरण है उसमें भी महाविकास आघाड़ी ही ज्यादा उसको एज है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र से कम 17-18 सीटों का गड्ढा बीजेपी को पड़ने वाला है, और मतलब बीजेपी का जो भी अलायंस है, और उसके बाद 303 में से अगर 17-18 अकेले महाराष्ट्र से कम होते हैं तो फिर मेजोरिटी के लिए जितने बचते हैं, बाकी स्टेट्स है, राजस्थान है, गुजरात में भी 2-3 कम हो सकते हैं, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, ये सारी जगहों से अगर कटौती हो रही है और कहीं से गेन नहीं है, कर्नाटक है, तो ये 250 तो मैक्सिमम आएंगे इनके, मैक्सिमम कह रहा हूँ, मिनिमम तो कितने भी, अब सट्टा बाजार जो है वो क्या कह रहा है पता नहीं। लेकिन एक ही बात आखिरी की कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा कि 3 महीना पहले हमने किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की थी, हम सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है 3 महीने में इतना हमको एक बदलाव दिखेगा। लेकिन मेरा यह अनुमान है कि ये बदलाव 3 महीने में नहीं हुआ है, इतना बड़ा बदलाव 3 महीने में नहीं होता, ये अंडर करंट पिछले 4-5 साल से धीरे धीरे बनता गया है और आज हमको वो सरफेस पर दिख रहा है, लेकिन वो था अंदर, वो अंदर था ही। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 महीने में हवा बदल जाए, ये तो पिछले 3-4 साल से बन रहा है और इसीलिए ये काफी पक्का है, इसका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि बन गया और फिर मोदी जी ने कुछ कर दिया और लोग फिर से बदल गए, ऐसा नहीं होगा। अभी मोदी जी कुछ भी कहे तो भी ये 3-4 साल से बना हुआ अंडर करंट है, इसकी नींव पक्की हो गई है और ये बदलने वाला नहीं है, और ये शायद बात मोदी जी को पता चल गई है इसलिए बौखला गए हैं। हम यही चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये बना रहे और ऐसी कोई क्या कहते हैं उसको, कोई टैक्टिक मोदी जी ना अपनाए जिससे पूरा खेल ही बिगड़ जाए। लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, उनको वो तो सत्ता से खारिज होना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है सत्ता से खारिज होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, उनकी जगह कहाँ है, ये उनको पता है। इसलिए वो हर मशक्कत करेंगे, हर पॉसिबल मशक्कत करेंगे और
सत्ता रखने की कोशिश करेंगे, उसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। वो क्या होगा उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। दिनेश जी, मैं अनिल